नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज पताल लोग इस वक्त चर्चा में है। अनुष्का शर्मा ने बतौर प्रोड्यूसर इस वेब सीरीज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया है। हालांकि इसको लेकर अब वो विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। अनुष्का को इस वेब सीरीज के विशेष सीन में गोरखा समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए मिला है लीगल नोटिस। जी हाँ, अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस जारी किया गया है। लॉयड गिल्स के मेंबर वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने पताल लोक की को प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को एक नोटिस भेजा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का शर्मा और उनकी टीम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो वीरेंद्र ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो से भी कॉन्टैक्ट करेंगे। पताल लोक में पुलिस जाँच का एक सीन है जिसमें महिला पुलिस ने हॉर्स शब्द का इस्तेमाल किया है। वीरेन ने कहा है कि पताल लोक के दूसरे एपिसोड में पूछताछ के दौरान महिला पुलिस सीरीज में मौजूद नेपाली किरदार पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल करती है। अगर सिर्फ नेपाली शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद के शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गोरखा समुदाय एक ऑनलाइन पिटीशन भी चला रहा है। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्रालय, Amazon प्राइम वीडियो और अनुष्का शर्मा से मांग की गई है कि शब्द को वेब सीरीज से हटाया जाए। इसके मुताबिक एपिसोड में शब्द को म्यूट किया जाए, सबटाइटल्स में शब्द को ब्लर किया जाए और माफी मांगी जाए। वो ये भी चाहते हैं कि इस एपिसोड को दोबारा से अपलोड किया जाए। आपको बता दें कि पताल लोक को लेकर सोशल मीडिया पर और भी कई लोग नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग इसमें विशेष धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।